ये देखिए तो किस तरीके से ये करेला पाला हुआ है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज फिर से नए जोश, नए उत्साह और नई उमंगों के साथ एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम हैं अपने बड़े पापा के बगीचे में। तो दर्शकों, अभी हम बड़े पापा के बगीचे में आए हैं और इधर का आप पूरा सीन देख सकते हैं, किस तरीके से हरा भरा सीन दिखाई पड़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले दर्शकों, इधर पूरा ये खेत खाली था, है ना, घास ही घास दिखाई पड़ता था और इधर चिखला चिखला। तो अभी देखिए किस तरीके से धान के पौधे इधर बड़े हो चुके हैं। इसमें तो खैर रोपाई करा गया था, है ना, ये वाला ये तीन खेत हैं, है ना, इन तीनों खेतों में रोपाई किया गया था, इसलिए ज़्यादा हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं। और नीचे का ये तीन खेत, ये वाला और नीचे में और है, तो इनमें धान बुआई किए थे दर्शकों। तो धान बुआई होने की वजह से इनमें धान के पौधे कम दिखाई पड़ रहे हैं और इसकी अपेक्षा में ये छोटे छोटे हैं और दूर दूर में हैं, क्योंकि धान के बीज जो हैं कहीं उग गया, कहीं रह गया, मिट्टी में दब गया। इधर तो सभी पौधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, और ये ज़्यादा ताज़ा दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए कैसे कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं और बीच में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और नीचे का भी वही सीन है दर्शकों, यहाँ ये देखिए इनमें भी धान की बुआई ही करी गई थी। और देखिए ये सीन, तो क्या है, धान की बुआई करने से धान के पौधे कम आते हैं, पैदावार कम होती है, लेकिन धान की रोपाई करते हैं ना, तो धान की रोपाई में ज़्यादा पौधे जो हैं ग्रो होते हैं और इनमें पैदावार भी अच्छे से होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीका सीन है। इसके अलावा दर्शकों, हम किनारे किनारे आम का पौधा लगाए थे, ये देखिए आम का पौधा भी दो चार सक्सेस हुआ है, बाकी तो ऐसे ही मरते गया है। ये देखिए ये वाला पौधा जैसे कि ग्रो हो रहा है अच्छे से, ये वाला है ना, और इधर का ये ख़त्म हो चुका है, ये सही है, वो ये ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे था एक पौधा वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से बीच बीच में आम का पौधा सही हो रहा है, कुछ मर रहे हैं, कुछ अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो सही है, अच्छा काम किए थे, तो अच्छा चीज़ तो होना ही है। उसके अलावा दर्शकों, पूरा किनारे किनारे तो सगुन का पौधा लगाया गया है, इधर आम का पौधा लगाया गया है। सगुन का जो पौधा था वो बड़े होकर पेड़ बनते जा रहे हैं, इधर आम के पौधे ही रहकर सिमट गए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सीन है। और कल अपने घर में त्यौहार ही मनाया गया है ना, तो यही सब सीन है दर्शकों, बढ़िया सब कुछ सही हो रहा है। और देखिएगा, देखते ही देखते इस बगीचे में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, है ना, और सब चीज़ बढ़िया हो रहा है। इधर जो बोर लगा हुआ है उनमें पहले 17 पाइप डाले थे, है ना, 10-10 फुट का, तो 170 फुट था। उसके बाद हमने और पाइप उतारा, 5 पाइप पहले उतारा, फिर 5 पाइप बाद में, तो टोटल 10 पाइप और उतारे, तो 27 पाइप लग चुका है। 270 फुट हमने पाइप उतारने वाला काम कंप्लीट कर दिया है, तो पानी अच्छे से आ रहा है अभी, नहीं तो पानी रुक रुक के आ रहा था, अभी फ़िलहाल लाइट ऑफ है, नहीं तो दिखा देता आप लोग को किस तरीके से पानी आ रहा है ना। और चलो बाबू, चलो उधर नहाएंगे, लाइट आया कि नहीं आया, नहीं आया, हाँ लाइट आएगा फिर नहाएंगे ना, तो अभी लाइट ऑफ हो गया, लाइट आने के बाद हम यहाँ से नहाएंगे और नहाने के बाद जाएंगे घर, घर में जाएंगे, फिर नाश्ता पानी होगा, नाश्ता पानी होने के बाद देखेंगे क्या काम करना है अपने को आज। तो चलिए दर्शकों, ये देखिए इधर कल त्यौहार मनाया ना, तो ये कौन सा पेड़ की डालियाँ नहीं पता मेरे को, लेकिन ऐसे ही खेतों में इस पेड़ की डालियों को ऐसे गाड़ना पड़ता है ना, और यहाँ पे वो गाड़ने वाला काम कंप्लीट कर दिया गया है, सही है। और हाँ दर्शकों, कल नवाखाई का ही त्यौहार मना रहे थे, भूल जा रहा था मैं, नवाखाई का त्यौहार। अभी लाइट ऑफ आ गया है, नहीं तो यहाँ से पानी आता। ये रहा अपना बोर, इधर अपना ये झोपड़ी बना है, इधर और दीवार उठाएंगे, है ना, यहाँ पे ऐसे दीवार उठेगा, ये घर बनेगा, घर के अंदर ही रहेगा ये बोर। तो 10 फुट का पाइप निकालते बन जाए वैसे टाइप का, हम इसको दीवार को उठाएंगे, है ना, तो सही है। इधर बालू वगैरह लाया गया है, अब कुछ ही महीनों में काम चालू हो जाएगा। इधर यहाँ से देखिए व्यू इस बगीचे का, सही है,
सूरज भगवान अपनी किरणें बिखेर रहे हैं और यहाँ का नेचर वाइब जो चल रहा है ना वो कतई जहर है। चिड़ियों की पंछियों की आवाज़ें सुनने में जो मिलती है ना यहाँ पे वो कतई जहर है। दर्शकों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने बगीचे साइड। इधर रास्ते में जो अपन मूंगफली उड़द लगाए थे ना वो देखिए इधर ये मूंग काफ़ी अच्छे से बड़े हो चुके हैं और इनमें दाने भी पूरी तरह से आ चुके हैं है ना और अच्छे से खाने लायक हो चुके हैं। इधर ये देखिए काला काला जो दिखाई दे रहा है ना मूंग ये तोड़ने लायक हो चुका है। तोड़ के इसे सुखा देंगे, सुखाने के बाद ऐसे फोड़ देंगे तो ये देखिए ये मूंग पूरी तरह से तैयार हो चुका है ना ब्लैक ब्लैक वाला काला वाला मूंग। और ये हरा वाला मूंग हम आराम से खा सकते हैं फोड़ कर है ना हरा हरा मूंग। और कल नवाखाई का त्यौहार हुआ तो बस उसी दिन से मूंग उड़द खाना स्टार्ट कर सकते हैं आप घर में। तो नवाखाई का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है ये नए नए फसल रहते हैं ना इनको खाने के लिए। तो अपन इसे ऐसे भी खा सकते हैं। सही है। तो इस तरीके से अपन अभी और भी मूंग तोड़ लेते हैं और हम इसे खाते हुए अपने बगीचे साइड जाएंगे। ठीक है ये ब्लैक वाला खाते तो बनेगा नहीं क्योंकि ये पक के तैयार हो चुका है। तो हम हरा हरा मूंग तोड़ लेते हैं इस तरीके से और मस्त खाएंगे इसे। ये देखिए तो सही है। और दर्शकों अभी हम ये देखिए खेत के मेड़ों के पास बैठे हुए हैं है ना। पीछे साइड पहाड़ वाला सीन और इधर खेत का सीन। यहाँ पे अपन बैठ के जो दो चार मूंग तोड़े हैं इन्हें खा लेते हैं। ठीक है यहाँ का जो माहौल है वो कतई जहर रहता है नेचर वाइब चलते रहता है। यहाँ कुछ भी बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। चाहे आप रोटी ले आओ खाना ले आओ मैगी ले आओ या फिर ये हरा मूंग। तो पौधों से ही कुछ भी चीज़ फल मूल है ना सब्जी कुछ भी हो या फिर ये मूंग हो ताज़ा ताज़ा खाने का मज़ा ही अलग होता है। मूंगफली को होने दीजिए फिर मूंगफली भी ऐसे घूम घूम के ताज़ा ताज़ा है ना उखाड़ कर खाएंगे और मज़े लेंगे। दर्शकों गणेश भगवान का विसर्जन करने के बाद ना पूरा अपना मोहल्ला शांत हो गया है। तो एक दो दिन तो मुझे रिकवर करना पड़ रहा है खुद को क्योंकि शोर शराबे है ना भजन कीर्तन ये सब में ही अपना माहौल जम गया था। अभी ये जो शांत भरा माहौल अपने को थोड़ा जच नहीं रहा है तो एक दो दिन लग रहा है अपने को है ना रिकवर करने में। बाकी अब ठीक से माहौल में जम जाएंगे फिर से है ना शांत भरे माहौल में तो एक दो दिन और लगेगा। अभी फ़िलहाल हम बगीचे आ रहे हैं बगीचे में देखते हैं क्या क्या काम करना है। हो सकता है तो दवाई सिंचाई वाला ही काम है तो उसी को करेंगे है ना। चलो ठीक है अभी हम बगीचे चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या काम करना है।
और दर्शकों देखिए इधर बगीचे में पिछले दिनों ही यहाँ पे हमने सूखी डालियों को गाड़ने वाला काम करा था। देखिए आज ये करेला की जो बेलें हैं वो किस तरीके से इनमें लटकी हुई हैं और इनमें फूल भी आ चुके हैं। देखिए बीच बीच में तो अब फूल आ चुके हैं तो इनमें करेला फलने भी लग जाएगा, है ना। थोड़ा दिन और वेट कीजिए। ये देखिए दो लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे एक और लाइन है, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा लगा के अपन करेला लगाए हैं, है ना। तो दर्शकों इधर भी देखिए किस तरीके से करेला लगा हुआ है, उधर किनारे किनारे भी लगा हुआ है। और इधर देखिए धान के फसलों को किस तरीके से लहलहा रहे हैं, सही है। और दर्शकों ये देखिए अपने बगीचे में यहाँ करेला की बेलों में किस तरीके से ये करेला फला हुआ है, है ना। इसके अलावा और भी हैं उधर अंदर साइड, ये बरबट्टी है तो बरबट्टी देखिए किस तरीके से फले हुए हैं। देखिए करेला ही करेला आप लोग को दिखाई देगा, ये देख, है ना, सही है। तो दर्शकों अभी यूरिया खाद डाला जा रहा है धान के खेतों में। शाम के 5:12 यहाँ पे घास इलाई चल रहा था, करेला की बेलें लगी हैं इनके नीचे नीचे, देखिए बहुत सारे घास थे, उन घास की निलाई करके इधर किनारे में फेंक दिया गया है। करेला ये करेला देखिए सही फल रहा है। इधर एक पक भी गया है, इसका बीज यूज कर सकते हैं। इधर भी घास निंदाई कंप्लीट, देखिए कितना सारा करेला टूटा गया है। काफी बड़े साइज का है। दर्शकों अभी शाम के 5:30 रहे हैं और इधर सूरज भगवान ढलने वाले हैं थोड़ी देर में। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, काले काले बादल भी आ रहे हैं इधर से, तो हो सकता है आधे घंटे में बारिश भी हो जाए। और हम भी काम हम आज का कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसा था आज के काम कि सुबह सबसे पहले तो हम लेट में ही उठे 7:30 के आसपास। उसके बाद बड़े पिताजी के बगीचे गए, वहाँ पे बड़े पिताजी अपना टंगली भूल गए थे तो टंगली को लेने के लिए गए हुए थे। आधा घंटे बाद हम वहाँ से लेकर आए टंगली। टंगली लाने के बाद हम करें पूजा पाठ। पूजा पाठ होने के बाद हम वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे थे। उसके बाद मूवी देखने लग गए। कौन सा मूवी था,
एक वेब सीरीज था, सीजन वन देख रहे थे, द फॉरगॉटन आर्मी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ अपने बगीचे आ गए। पिताजी बोले थे कि दवाई सिंचाई करना है, तो दवाई सिंचाई करने के बहाने से हम बगीचे आए, लेकिन दवाई सिंचाई करे नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई दवाई सिंचाई कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, दवाई सिंचाई कम्प्लीट होने के बाद पिताजी यूरिया खाद मिक्स करे, फिर यूरिया खाद एक घंटे तक सिंचाई चला, ठीक है। खाना पीना होने के बाद हम घास निंदाई वाला काम करना स्टार्ट किए। करेला के जितने भी बेले हैं वहाँ पे हम घास निंदाई करें, और जितने भी बड़े बड़े करेला फले हुए थे उनको भी तोड़कर थैला में डाल दिए हैं। अभी उनको लेकर जाएंगे घर, और घर में बनेगी करेला की सब्ज़ी, ठीक है। तो दर्शकों, कुछ इस तरीके से रहा आज का हमारा काम, और इस काम में हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप लोग को भी ये काम अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हाँ, बीच में हम मूंग भी खा रहे थे, ये बताना भूल गया था आप लोग को, ठीक है। तो मूंग खाने का ही अलग ही मज़ा है दर्शकों। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटे दे, जीवन की सारी चिंता करें। सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।